दोस्तों मैं आज के इस वीडियो बताने वाला हूं, अगर आपका अकाउंट HDFC बैंक में है और नेट बैंकिंग की यूज़ करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास पासवर्ड होना ज़रूरी है। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो पासवर्ड को किस तरह से बनाना है या पासवर्ड पहले से बना रखे पासवर्ड भूल चुके हैं तो बहुत ही आसान तरीके से दोबारा आप उसे रिकवर कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं नेट बैंकिंग पासवर्ड किस तरह से बनाए तो इस वीडियो जरूर शुरू से आखिर देखें और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो आपको गूगल को ओपन कर लेना है और सर्च में आपको टाइप करना है HDFC बैंक नेट बैंकिंग। सबसे ऊपर ही लिंक मिलेगा नेट बैंकिंग HDFC बैंक, उस पर आपको क्लिक करना है। उसको देखिए प्रोसीड नाउ पे क्लिक करना है, यहाँ पर जैसे प्रोसीड नाउ पे क्लिक करना है। उसको देखिए यहाँ पर आपको कस्टमर आईडी इंटर करना है, ठीक है। तो कस्टमर आईडी आपको पासबुक में या चेकबुक में आपको देखने को मिल जाता है। अगर आपके पास चेकबुक या पासबुक नहीं है तो यहाँ पर देखिए फॉरगेट कस्टमर आईडी पे क्लिक करके आप दोबारा रिकवर कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं तो आप मुझे कमेंट करें, मैं ज़रूर इसके बारे में वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर कस्टमर आईडी इंटर कर देता हूँ, उसको कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। उसको यहाँ पर आपको पासवर्ड इंटर करने का ऑप्शन शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पासवर्ड पता नहीं है तो नीचे देखिए फॉरगेट पासवर्ड आई पिन पे आपको क्लिक करना है। उसको क्या करना है, यहाँ पर आपको कस्टमर आईडी इंटर कर देना है। तो मैंने इंटर कर दिया, उसको गो पे क्लिक करते हैं। उसको पासवर्ड रिकवर करने के लिए दो ऑप्शन मिलता है, ठीक है। दो तरीके से आप पासवर्ड को यहाँ पर बना सकते हैं। पहला ऑप्शन है कि अगर आपके पास डेबिट कार्ड यानी ATM कार्ड का पिन पता है, ठीक है, ATM कार्ड का पिन और ATM कार्ड आपके पास होना चाहिए और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, तभी आप इस ऑप्शन पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ATM कार्ड नहीं है, उसको पासवर्ड नहीं पता है और जीमेल आईडी आपके अकाउंट के साथ लिंक है तो सेकेंड वाला पर क्लिक करना है, ठीक है। तो मेरे पास डेबिट कार्ड भी है और मोबाइल नंबर भी है तो मैं फर्स्ट वाला सिलेक्ट किया। और सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो कैप्चा शो कर रहा है आपको इस बॉक्स में इंटर करना है। चलिए मैं इंटर कर देता हूँ, तो मैंने इंटर कर दिया, उसको कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे आप क्लिक करें उसको इस बॉक्स में आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर जो भी बैंक के साथ लिंक है आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। उसको क्या करना है, यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आपको OTP जाएगा, मेरा OTP आ चुका है। चलिए मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ 98, मैंने इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। उसको देखिए यहाँ पर आपको कार्ड नंबर शो करे यानी ATM कार्ड का नंबर शो करेगा, तो आपको क्या करना है, इसी पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जो एक्टिव है वही कार्ड यहाँ पर शो करेगा। जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखिए ATM का पिन इंटर कर देना है और यहाँ पर एक्सपायरी डेट इंटर करना है, ठीक है। उसको न्यू पासवर्ड जो भी रखना चाहते हैं यहाँ पर इंटर करना है, उसको कन्फर्म पासवर्ड आपको यहाँ पर इंटर करना है। उसको यहाँ पर आपको जो आई एक्सेप्ट टर्म कंडीशन करना है उसको कन्फर्म पर क्लिक करें। चलिए मैं ये सारे डिटेल्स यहाँ पर मैं इंटर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं ATM का पिन इंटर कर देता हूँ। उसको यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग पासवर्ड जो भी मनपसंद रखना चाहते हैं यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर 8 से लेकर 15 अंक का आप रख सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं इंटर कर देता हूँ। तो मैंने पासवर्ड इंटर कर दिया, उसको देख कंफर्म न्यू पासवर्ड, फिर दोबारा फिर से आपको यहाँ पर इंटर कर देना है सेम। तो मैंने इंटर कर दिया, उसको यहाँ पर आई एक्सेप्ट टर्म कंडीशन पर क्लिक करेंगे इस तरह से, उसको कंफर्म पे क्लिक करना है। कॉन्ग्रेचुलेसन, यूर आई पिन हिज बिन सक्सेसफुली रीसेट। तो यहाँ पर आप देखते हैं मेरा पासवर्ड फॉरगेट हो चुका है। इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से पासवर्ड को आप दोबारा रिकवर कर सकते हैं। चलिए मैं क्लिक हेयर पे क्लिक करता हूँ। उसको मैं यहाँ पर कस्टमर एंटर करते हैं, उसको कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। उसको जो भी मैंने पासवर्ड बनाया वो पासवर्ड मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। तो सिक्योर आईडी पर क्लिक करते हैं और उसका लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से पासवर्ड को रिसेट कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह की वीडियो देखना पसंद करते तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। अगर मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।